हाँ भाई, तो खुशखबरी मुझे ये देनी है कि मेरा वॉलेट, ये दूसरा फोन, ये अंगूठी लेते हैं, सनग्लासेस, ये तो बहुत जरूरी होते हैं भाई। नहीं, ये देखें जी, ये देखें चिड़िया का बच्चा, ये मुझे लग रहा है हमारे चिड़िया के बच्चे गिरे ऊपर। ये रहा बेचारा बच्चा छोटा, यहाँ पे देखे कितना प्यारा सा है ये। यहाँ पे तो भाई ठंडी ठंडी हवाएं, देखें भाई एसी लगा हुआ मजेदार सा। ये कड़ाही में क्या है भाई, इसमें देखते हैं क्या है भाई। ये भी प्यारे प्यारे बच्चे दादा बू के साथ सैर करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक घोंसला बनाया हुआ है ना, वो चली गई। जो तेरे नहीं होने आज के दिन का और व्लॉग का आगाज करते हैं। इस पर तो अक्सर भाई अभी आपका भाई नहा धो के तैयार होकर नमाज पढ़ के फ्री हो चुका है और भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी आपको देनी है, उससे पहले व्लॉग का आगाज कर ले। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। हाँ भाई, तो खुशखबरी मुझे ये देनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया है। आज 27th ऑफ रमजान है, जिस तरह मैंने कुरान पाक खत्म किया, नुमान भाई ने भी किया, आपकी भाभी ने भी किया, सिस्टर्स ने भी किया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4-5 के करीब जो है वो कुरान पाक है। 27th ऑफ रमजान है आज और अल्हम्दुलिल्लाह आज 27वीं का जो है वो खत्म शरीफ होगा और इसमें हम कुरान पाक जो है वो इसाले सवाब करेंगे जितने भी मरहूमीन है अपने उनको, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म शरीफ के लिए क्या एहतमाम हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी जो है नमाज भी मैंने पढ़ ली है जिस तरह मैंने आपको बताया और ब्लॉग का भी आगाज हो चुका है। तो मुझे एक काम करना और वही काम करना है कि मुझे जाना है जी बैंक, यानी कि एटीएम। बैंक तो बंद हो जाते हैं 2 बजे, रमजान की टाइमिंग है, और मुझे एटीएम पे जाना है और वहां पे मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी दोस्त को। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आके आपको किचन वगैरह में लेके चलेंगे। तो आइए बैंक चलते हैं। लेना है जी मुझे मेरा वॉलेट और ये दूसरा फोन, चार्जिंग पे लगा हुआ था, अपनी अंगूठी लेते हैं। चीज तो मैं भूल ही गया जी, अपने सनग्लासेस, ये तो बहुत जरूरी होते हैं भाई गर्मियों में और धूप में। तो भाई अभी मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे मुझे रेहान साहब ने एक चीज दिखाई है, और वो क्या दिखाई है आपको दिखाते हैं भाई। ये देखें जी, यहाँ पे ओपन द स्काई में ना, यहाँ पे देखेंगे, ये देखें चिड़िया का बच्चा, हुई 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 हुई, ये हमारी, मुझे लग रहा है हमारी चिड़िया का बच्चा गिरा है। और देखिए कोई 2-3 है, नहीं नहीं हो रहा है ना, हाँ ये मुझे लग रहा है हमारे चिड़िया के बच्चे गिरे हैं ऊपर से। ये देखें ऊपर चिड़िया, और चिड़िया के वो पापा मामा वगैरह सब है, बहन भाई वो बेचारे बोल रहे हैं कि उनका बच्चा, ये देखते हैं ये कहाँ पे है बेचारा, हो रहा, ये रहा बेचारा बच्चा छोटा जी। गाइस तो यहाँ पे देखें हमने चिड़िया का बच्चा पकड़ लिया, ये आप देखें, ये ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का सा उड़ा था, ये उड़ा ही मैंने हवा में ऐसे करके पकड़ लिया। ये देखें करीब से देखें, अभी इसको लेके चलते हैं ऊपर, अपने ओपन टू स्काई में ऊपर छोड़ देते हैं जहाँ पे इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, अगर उनका बच्चा होगा तो वो पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। तो आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा है ये छोटा सा, ओए 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 ओए, क्यूटू सा है। इसको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर छोड़ देंगे भाई इसके घर के पास। मुस्कान, ये देखो बेबी, देखो चिया है, बाबा के हाथ तुम्हें चिया है, ये देखो ले लो, आप ले लो ले लो ले लो, डर लगता है आपको चिया से, ये लो ले लो चिया ले लो। उस गान को डर लग रहा है, डर लग रहा है आपको है, डर लग रहा है, पार कर लो उसको, पार कर लो, अपा कर लो, अपा कर लो, नहीं उस गान को डर लग रहा है भाई। इसको यहाँ से अपने ऊपर उस कायम है ना, यहाँ से चल के ना यहाँ बाहर रख देते हैं, हो सकता है ये इनका ना गिरा हुआ हमारी चिड़ियों का, तो इसको ना प्यारा सा है क्यूटू सा, इसको बाहर रख देते हैं। चैन पुप्पा आप ले लो, ये लो ये लो ये लो, ये तो दोनों पुप्पा भी डरती है, भतीजी भी डरती है। बाकी तो यहाँ पे देखें, ये चिड़िया है ना, ये वेट कर रही है अपने बच्चे का, और बच्चा तो इसका हमारे पास है, अभी हम लेके आ गए हैं, हम इसको यहाँ रख देंगे ताकि ये अपना बच्चा ले ले आराम से। यहाँ रख देते हैं बच्चे को आराम से, चल भाई ले लो भाई अपना बच्चा, बेबी ले लो भाई, हम आ जाते हैं जी बाहर। ये देखें हमने यहाँ पे रख दिया इसका बेबी, अभी अपना बेबी खुद ले लेगी, हम यहाँ से चलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि ना वो देखें वो रुक के वहाँ जा रहा है, अभी खुद ले लेगी, जो इसकी मम्मा होंगी ना या इसके बाबा होंगे वो खुद ले लेंगे। ठीक है मुस्कान, हमने बेबी को ना उसके मामा बाबा के पास छोड़ दिया, ठीक है, सही किया ना, है ना,
आप यहाँ से देखो, उसके मामा लेने आएंगे अभी, उसके उसके बाबा और मामा उसको ले जाएंगे। ठीक है पप्पू, आप देखती रहना यहाँ पे खड़ी, वो सामने बैठा हुआ है देखो गीजर के ऊपर, नजर आ रहा है ना वो बैठा हुआ है, ये देखे भाई। हम नीचे ढूंढने आए थे, गाड़ी की चाबी यहाँ पड़ी हुई है, रेहान ने हमें नई चीज बता दी कि भाई नीचे ओपन टू स्काई में चिड़िया का बच्चा आया हुआ है। तो मुझे ख्याल आया कि भाई चिड़िया का बच्चा आया हुआ है, फिर मेरा जहन फौरन गया, मैंने कहा ये वही बच्चा हो सकता है जो ऊपर हमारे चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ, उनका ही कोई बच्चा जो है ना वो बड़ा हो गया होगा और वो नीचे गिरा होगा। तो फौरन मैंने देखा फिर, और अभी मैंने उसको पकड़ के जो है ना ऊपर ओपन टू स्काई में रख दी है। अब उसके माँ बाप उसको जहाँ भी लेके जाना चाहें, उसे मिलें, जो भी करें। दोबारा अभी हम निकलते हैं जी, हमें जाना है एटीएम, जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक पैसे ट्रांसफ़र करने एक दोस्त को, और फिलहाल यही काम है बाहर, वो करके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलो जी, गाड़ी में बैठ गया और दरवाज़ा खोला ही नहीं है ना किसी को, कहा है अभी फ़ोन करके बुलाते हैं किसी को, भाई को कहते हैं भाई आके दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हों बाद एटीएम पे आ चुके हैं, यहाँ पे तो भाई ठंडी ठंडी हवा है, देखिए भाई एसी लगा हुआ मजेदार सा। अभी जल्दी जल्दी अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे घर जाके। तो भाई अभी बैंक से फ्री होके हम आ चुके हैं, अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं किचन में आज क्या बन रहा है भाई खत्म शरीफ में। हम आ चुके हैं जी किचन में, और यहाँ पे देखे जी सबसे पहले ये कड़ाही में क्या है भाई, वो अब भाई वाह, यहाँ पे भाई चिकन तो मुझे नजर आ रहा है, अभी कन्फर्म करते हैं है क्या चीज। चिकन है, चिकन तो भाई नजर आ रहा है, चिकन चिकन है। अच्छा चिकन चने, चिकन सफ़ेद चने बने हुए हैं भाई। अच्छा जी ठीक हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक देगची नज़र आ रही है, इसमें देखते हैं क्या है भाई। इसमें है जी चनों की पुलाव, वाह चिकन चने और चनों की पुलाव। एक्चुअली बात ये है कि सबकी अपनी अपनी फरमाइश होती है, कोई चिकन चने नहीं पसंद करता, तो मामा ने कहा भाई चलो चनों की पुलाव भी बना लो, जो पुलाव खाना चाहे वो पुलाव खा ले, जो चने खाना चाहिए यानी कि सालन वो सालन खा ले। चिकन की चिकन का सालन यहाँ पे, चिकन चनों का और चनों की पुलाव, और इसके साथ साथ स्वीट में भाई यहाँ पे सेवैयों का जरदा भी बनना स्टार्ट होना है। सेवैयाँ निकाल दी, सेवैयाँ दो कलर की हैं, ये लाइट कलर है और ये डार्क कलर, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा पक गई होंगी इसलिए ज़्यादा डार्क ब्राउन होगी, लाइट ब्राउन है। तो सेवैयों का जरदा भी बन रहा है जी। बाकी इसके अलावा अफ्तारी में जो चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में, पकौड़े शकौड़े और फल फ्रूट और जो दही बूंदी वगैरह वो होगी, वो भी बनना स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी असर का टाइम हो चुका है, हम पढ़ लेते हैं असर की नमाज, उसके बाद फिर जो है हम मिलेंगे आपसे दस्तरखान पे इंशाल्लाह। अभी असर की नमाज पढ़ के मैंने सोचा बाहर चलते हैं, बाहर मुस्कान जो है वो चाचू के साथ सैर कर रही है बाइक पे, तो आइए आपको दिखाते हैं, थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं मुस्कान के बाइक पे सैर करने के। भी प्यारे प्यारे बच्चे दादा बू के साथ सैर करने जा रहे हैं भाई। बाय बाय मुस्कान, बाय बाय करो जल्दी। ये देखिए जी हुसैन भाई भी बैठे हैं और पप्पू ने पकड़ा भाई हुसैन को, बाय बाय। तो भाई बच्चे तो चले गए हैं जी अपने दादा बू के साथ सैर करने के लिए। हुए हुए यहाँ पे देखें ज़रा क्या हाल बना है भाई, ये देखें सारी घास फूस, ये यहाँ पे एक घोंसला बनाया हुआ है ना, ये इसने बनाया हुआ है, ये देखें ये आ गई, ये देखें कैमरे में मैंने कैप्चर कर लिया, ये देखें अभी भी ये अपने घोंसले के लिए कोई पत्ते पुते लेके आई है और इसने यहाँ पे आना है। अभी इसको साइड पर के कैप्चर करता हूँ ज़रा छुप के ना, वो चली गई देखा ना, ये मैंने चोर पकड़ लिया, ये जो सारा हमारे यहाँ पे घर में गंद कर रहा है ना, ये सारा गंद ये यही है, इससे लेके नहीं जाया जाता, ये देखिए फिर निकल गई, नहीं लेके जाया जाता तो ये बाहर फेंक देती है, बाकी अंदर ले जाती है। ओ सर जो तेरे गद मोबे कुर्बान गया, सर है वो सर नहीं होने प्यारे आका मेरे, जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। अल्लाह अकबर,
हाय हाय हाय। वैसे एक बात है कि इफ्तारी से पहले बंदे में थोड़ी बहुत एनर्जी होती है और हम समझते हैं कि यार ये काम करना है, वो काम करना है, इफ्तारी के बाद कर लूँगा, ज़रा कुछ खा पी के एनर्जी आ जाएगी। दरअसल कुछ खाने पीने से पहले ही एनर्जी होती है, खाने पीने के बाद तो बंदा और ज़्यादा बिल्कुल ही वो हो जाता है, थक के यार नहीं अब तो हिलाओ ही ना, अब तो बस बैठो और बंदा लेटा हो। बहरहाल अभी इफ्तारी करके फ्री हो चुके हैं, अभी पढ़ते हैं जल्दी से मगरिब की नमाज़ और नमाज़ के बाद मिलते हैं आपसे 5 घंटे बाद। जो भाई मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं मिल रहा हूँ आपसे काफी देर के बाद, और काफी देर का मतलब है रात के 12:30 बजे। कुछ कामों में बिजी हो गया था इस वजह से मिल नहीं सका, और इस वक्त मैं मिल रहा हूँ रात को 12:30 बजे, वो भी सिर्फ ब्लॉग की एंडिंग करने के लिए। और ब्लॉग की एंडिंग हो रही थी टेरेस में, और टेरेस में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग के साथ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम ख़राब होने वाला है भाई यार, इतनी गर्मी हो गई थी, अल्लाह पाक फिर मेहरबानी कर दें इंशाल्लाह। तो भाई कल मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फी अमानी।